हेलो गाइस, तो देख सकते हो मैंने अमेजोन से दो चीज़ मंगाई है इनका। हालांकि मैंने पहले से ओपन कर दिया था वीडियो बनाते समय। अब ये वाला जो बॉक्स था बड़ा वाला, इसमें हमको ये तीन चीज़ें देखने को मिली है। और ये है टेबल माउंट स्टैंड, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा बड़ा मिला मुझे ये एक, ये ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये इनकी ब्रांडिंग मिल जाती है। और मुझे ये एक नंबर लगा, इसका लिंक मैं दूंगा और इससे अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ मंगाई है जो कि हमारी कैमलिन की कलर पेंसिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ये देखो ट्रायंगुलर वाली है, एक नंबर लग रही है मुझे देखने में तो। और शॉपिंग मिलता फ्री, कितनी ज़्यादा प्रीमियम है। और यहाँ पर इन लोगों ने टेप लगा के दे रखी है गाइस, देख रहे हो, टेप लगा के दे रखी है। बढ़िया लगी मुझे पेंसिल में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मिली है। और ये तीन चीज़ भी अच्छी मिली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको सही करते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो आगे की बनाना, ठीक है। तो गाइस, अभी तो मेरे पास इतना अच्छा वो नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मतलब जो मोबाइल ना इस टाइप से नीचे नीचे जा रहा है, इस वजह से तो थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है मुझे वीडियो में। अब एक काम करते हैं, ये इधर लग जाएगा, ओके देख लो, ठीक। ये जो है इसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं, पर इसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा उसके लिए। ये हमने ये वाला चीज़ बाहर निकाल लिया, इसके बाद हम इसको डाल देंगे अंदर और इसको हम लगा देंगे इसके अंदर। आप चाहो तो टाइट कर सकते हो, मैं थोड़ा सा लूज़ रखूँगा। और मैं बता देता हूँ मैं लूज़ क्यों रखता हूँ, देखो लूज़ रखूँगा तो ये कुछ इस टाइप से घूम भी जाएगा, तो मेरे लिए एक अच्छी बात रहेगी ये। और टाइट करोगे तो ये घूमेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपके ऊपर है, अब आपको किस टाइप से रखना है इसको, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, नीचे ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। ये ट्राईपॉड मेरे पास अच्छा नहीं है, मैं रिंग लाइट से कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है बस। तो ये देख सकते हो ये तो हो गया हमारा, इस साइड ये कैसे, ओके ये हमें मिलता है, इसको हम थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं चाहे, बाकी है बढ़िया ये चीज। और ये अच्छा चलो गाइस, ठीक है, इसको हमें खोलना पड़ेगा पहले। ये जो चीज़ है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको हम थोड़ा सा टूट ना जाए बस ये है, इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ओके। तो ये हो चुका है, अब इसको हमको कर देने का है टाइट, ठीक है, यहाँ से, ताकि ये हिले विले मतलब ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और जितना टाइट करोगे उतना ज़्यादा टाइट ये मूव करेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि इसको थोड़ा सा टाइट कर ही देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूव हो जाएगा तो आपका। और मैंने इसको भी टाइट कर दिया और इसको भी मैंने टाइट कर दिया, ओके। पर मैंने लगाया नहीं है, यहाँ से बुरा है, ठीक है। अब आपने ऐसे माउंट कर दिया है ना, जैसे इस टाइप से अगर आप माउंट कर दोगे तो उसके बाद ये घूम भी जाएगा आपकी, मतलब वीडियो एकदम सिनेमेटिक्स वाली बन जाएगी। और ये एक तरीके से, मतलब एक तरीके से क्या बोले, ये ड्राइंग के लिए ही है, मतलब मैंने तो ड्राइंग के लिए बाई कर रखा है इस चीज़ को, और मुझे पर्सनली अच्छा लगा ये चीज़। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब देखो आप ये वाला साइड लुक ले सकते हो, इसको थोड़ा सा यूं करके, इसको इस साइड भी यूं करके ले सकते हो साइड लुक, यहाँ से यूं ले सकते हो, इसको भले से आप इधर बांध लो बीच में भी, आपके साइड लुक्स तो बहुत अच्छा आ जाएगी देखो। और ये मतलब दूर तक के लिए भी अच्छा है, अगर आप दूर की वीडियो बना रहे हो
बाकी ऐसे हमको तो कोई काम नहीं लेगा क्योंकि हमारे पास टेबल इतनी बड़ी नहीं है, और मैं इस टेबल के अंदर नहीं करूँगा इसको माउंट। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। और कुरकुर अभी जो आगे की मैं जो ड्राइंग बनाने वाला हूँ इस के साथ ही बनूँगा, तो आप पूरी वीडियो देखना और देखो कैसी ड्राइंग बनती है और ये कैसा शूट करता है। और मैं इसके साथ अभी जो दो तीन शॉर्ट्स डालूँगा, शॉर्ट वीडियोस जो होती है ना वो अभी मैं डालने वाला हूँ, तो वो आप लोग देख लेना। तो ये मेरी रिंग लाइट, ठीक है, और ये है मेरा सेटअप जिसको मैं सही करूँगा गाइस।